नमस्कार, जय हिंद बच्चों। आज हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस का तीसरा दिन है। सभी बच्चों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विथ आलोक में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 के लिए स्पीड टाइम डिस्टेंस की तीसरी क्लास लेकर आए हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ने चल रहे हैं। उसके बाद फिर जितने भी क्वेश्चन होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चन को बच्चों हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, आज का बच्चों पहला क्वेश्चन है, एक स्टेशन राजगढ़ और सीतागढ़ के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी राजगढ़ से सीतागढ़ की ओर 80 किलोमीटर पर घंटे की औसत गति से जाती है। एक बटा में दो घंटा यानी आधा घंटा के बाद दूसरी रेलगाड़ी सीतागढ़ से राजगढ़ की ओर 100 किलोमीटर पर घंटे की औसत गति से जाती है। तो दोनों रेलगाड़ियां राजगढ़ से कितनी दूरी पर मिलेंगी? तो बच्चों देखिए, यहां आपका सबसे पहले दो स्टेशन दिया गया है, एक तो आपका राजगढ़ और दूसरा आपका सीतागढ़। और बच्चों दोनों के बीच का जो गैप है, जो दूरी का गैप है, वह कितना दिया हुआ है? तो यहां से आप देख पा रहे होंगे 220 किलोमीटर के बराबर दिया गया है। तो बच्चों सबसे पहले हम फिगर बना ले। तो यह आपका अगर 220 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है ना, तो सबसे पहले बच्चों यहां आपका R से हम राजगढ़ लिख देते हैं और यह आपका सीतागढ़। ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर कहा गया है राजगढ़ से सीतागढ़ 80 किलोमीटर बराबर। तो बच्चों यहां से जो ट्रेन चल रही है वह 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, और बच्चों यहां से जो ट्रेन चल रही है वह 100 किलोमीटर पर आवर, यही बात कहा गया है साफ साफ। दूसरी रेलगाड़ी सीतागढ़ से राजगढ़ की ओर 100 किलोमीटर पर घंटे की औसत गति से जाती है। ठीक है बच्चों, तो जो सीतागढ़ से निकली है उसकी चाल कितनी है? 100 किलोमीटर पर आवर। जो राजगढ़ से बच्चों निकली है उसकी स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। और बच्चों यहाँ एक बात साफ साफ कहा गया है कि आधे घंटे के बाद दूसरी रेलगाड़ी सीतागढ़ से निकलती है, यानी सीतागढ़ से जो ट्रेन निकलती है बच्चों वह आधे घंटे रेस्ट में रहती है, वह आधे घंटे बाद में चलती है। इसका मतलब स्टार्टिंग के आधा घंटा क्या राजगढ़ से ट्रेन चली होगी? तो बच्चों स्टार्टिंग के हाफ एन आवर में, हाफ आवर में आर द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? तो ये आपका 40 और गुणा में एक बटा में दो, तो यह बच्चों कितना किलोमीटर चल चुकी है? तो यह आपका 20 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पर ये वाली ट्रेन बच्चों कितना किलोमीटर चल चुकी है? 20 किलोमीटर। तो बच्चों अब की कंडीशन क्या कहा गया है? अब जिस समय पर यहां से ट्रेन निकली है उसी समय पर यहां से भी ट्रेन चलना प्रारंभ की है। अब बच्चों 20 किलोमीटर यह ट्रेन चल चुकी है, अब जो गैप बना है, अब बच्चों गैप कितने का बना है? तो 180 का। अब बच्चों गैप कितने का बना है? 180 का। तो बच्चों अगर हम मिलने का समय देखें तो यहां मिलने का समय क्या होता है? तो बच्चों मिलने का समय बराबर गैप बटा में रिलेटिव स्पीड, यही बात कहा गया है। ठीक है ना बच्चों, तो सबसे पहले अगर अब हम गैप की बात करें तो दोनों ट्रेन के बीच का जो गैप है वह कितने के बराबर है? 180 के बराबर। ठीक है ना, और दोनों के बीच की सापेक्ष चाल, तो बच्चों अगर रिलेटिव स्पीड की बात करें तो दोनों की जो डायरेक्शन है वह क्या दिया हुआ है? विपरीत दिया हुआ है। तो बच्चों अगर डायरेक्शन विपरीत दिया गया हो तो सापेक्षित चाल क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो बच्चों 100 और 80 कितना हो जाएगा? 180। ठीक है ना, तो बच्चों यहां कितना घंटा लगेगा? एक घंटा। ठीक है, तो बच्चों एक घंटे के बाद दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएंगी, लेकिन बच्चों वह कंडीशन कब होगा? जब ट्रेन यहां से चली है और ये वाली ट्रेन यहां से चली है, ये बात समझ में आया है। तो बच्चों आपसे पूछा गया है कि दोनों रेलगाड़ी राजगढ़ से कितनी दूरी पर मिलेंगी? तो बच्चों राजगढ़ से कितनी दूरी पर? तो बच्चों 20 किलोमीटर चलने के बाद यह वाली ट्रेन एक घंटे और चली है, तो एक घंटे में कितना चलेगी? तो यह आपका 80 किलोमीटर। ठीक है ना, तो यहां अगर हम राजगढ़ से दूरी देखें, ठीक है बच्चों, राजगढ़ से
दूरी। तो बच्चों यह आपकी दूरी क्या हो जाएगी, तो पहले तो 40 किलोमीटर होगा और साथ में, या फिर आप डायरेक्ट कहिए कि यहाँ से जब यह मिले हैं तो यहाँ से यह ट्रेन कितना चली है, 1 घंटा, ये वाली ट्रेन कितना चली है, 1 घंटा, लेकिन यह वाली ट्रेन आधा घंटा यहाँ भी तो चली है, यानी टोटल राजगढ़ से जो ट्रेन निकली है वह बच्चों टोटल कितने देर तक चली है, तो वह 1.5 घंटा, ठीक है। या तो ऐसे कह लीजिए, या फिर आप कहिए पहले 40 घंटा और फिर 1 घंटे में यह वाली ट्रेन कितना चली होगी, तो यहाँ आपका 80 के बराबर, तो यह टोटल कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर आपका इस प्रश्न का बच्चों सही आंसर होगा। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यह आपका 120 किलोमीटर बच्चों आपका आंसर होगा। उम्मीद है सही बच्चों को सारी बातें समझ में आ रही होंगी, कहीं कोई कंफ्यूजन रहा हो तो बताएं। क्लियर है सही बच्चों को, सिंपल तरीका है एकदम, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले मिलने का समय निकाल लीजिए, तो बच्चों मिलने का समय क्या होगा, गैप बटा में रिलेटिव स्पीड। अब बच्चों यह वाली ट्रेन अगर आधे घंटे पहले चली है और यह आधे घंटे बाद चली है, तो यह आधे घंटे में 20 किलोमीटर चली होगी, 1 घंटे में अगर 40 किलोमीटर तो आधे घंटे में 20 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से ये वाली ट्रेन चलना प्रारंभ हुई है और यहाँ से ये वाली ट्रेन, तो बच्चों यहाँ दोनों के बीच का जो गैप है वह कितना है, 180 के बराबर, ठीक है। और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 80 और 100 कितने के बराबर, तो यह आपका 80 और 100 180, ठीक है। तो 1 घंटा, तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, तो यह आपका 120 किलोमीटर आंसर होगा, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन था आपका। अब देखिए इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है आपका, रेलगाड़ी ए स्टेशन एक्स से अपराहन 4 बजे चलती है और स्टेशन वाई पर अपराहन 6 बजे पहुंच जाती है। रेलगाड़ी बी स्टेशन वाई से 4 PM पर चलती है तथा एक्स पर अपराहन 7 बजे पहुंचती है, तो कितने बजे ए तथा बी से मिलेंगी। तो बच्चों ए और बी से कितने बजे मिलेंगी, ये बात आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम स्टेशन की बात कर लें, तो यहाँ आपका 2 स्टेशन दिया गया है, यह आपका एक्स और यह आपका वाई के बराबर, ठीक है। और उसके बाद बच्चों यहां से अगर हम ट्रेन ए की बात करें, तो ट्रेन ए आपकी 2 बजे चलती है, कितने बजे, सॉरी 4 बजे चलती है और कितने बजे पहुंच जाती है, 4 बजे चलती है और यहां कितने बजे पहुंच जाती है, तो यह आपका 6 बजे, कितने बजे, तो यह आपका बच्चों 6 बजे, ठीक है ना, 6 बजे पहुंच जाती है, यही बात कहा गया है। तो बच्चों यहां आपका समय कितना लगा है, तो आप कहेंगे 2 घंटा। उसी प्रकार से बच्चों अगर हम दूसरी ट्रेन की बात करें, तो वाई पर 6 बजे पहुंच जाती है, रेलगाड़ी बी की बात करें, तो बच्चों अगर यहां हम रेलगाड़ी बी की बात करते हैं, ठीक है ना, तो अगर हम बी की बात करें, तो बी आपकी 4 बजे यहां से निकलती है, 4 बजे और कितने बजे पहुंच जाती है, तो यह आपका 6 बजे। तो बच्चे यह ट्रेन को समय कितना लगा होगा, तो यहां से बच्चों आपका समय कितना लगा होगा, क्या 2 घंटा लगा होगा, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों यहां या तो आप दूरी x मान लीजिए या फिर ऐसी दूरी मान लीजिए जहां से चीजें आसानी से कट जाए, ठीक है ना। तो देखिएगा, अच्छा सॉरी, ये 7 बजे दिया हुआ, 1 मिनट रुक जाइएगा, ये आपका कितने बजे, 7 बजे, तो यह ट्रेन कितने देर में पहुंचती है, तो यह आपका 3 घंटे में। तो बच्चों देखिए, अगर यहां आप दूरी x मान लेंगे, ठीक है ना, दूरी कितना मान लेंगे, x मान लेंगे, तो बच्चों अगर हम a की स्पीड की बात करें, तो x दूरी चलता है कितने घंटे में, तो 2 घंटे में। उसी तरह अगर हम sb की बात कर दें, तो यह x किलोमीटर चलता है कितने की, कितने घंटे में, तो यह आपका 3 घंटे में, ठीक है ना। तो बच्चों यह आपका दूरी बटा में समय क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, आप बच्चे आसानी से बता सकते हैं। तो बच्चों मिलने का लगा समय क्या होगा, अगर हम मिलने का लगा समय देखें, ठीक है ना, तो बच्चों मिलने का समय क्या हो जाएगा, तो यह आपका मिलने का समय, तो बच्चों समय बराबर क्या होगा, तो यह आपका गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड होगा ना। तो बच्चों यहाँ आपका गैप कितने का है, तो आप कहेंगे सर x का और सर रिलेटिव स्पीड। अब बच्चों दोनों की जो सापेक्षिक चाल है वह क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के तरफ विपरीत दिशा में है। अगर बच्चों डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, सापेक्षिक चाल के लिए प्लस करते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ चाल एक्स प्लस एक्स बटा में 2 और प्लस एक्स बटा में 6, तो सॉरी एक्स बटा में 3। तो बच्चों यहाँ एलसीएम अगर हम 6 ले लें, तो 6 ऊपर चला जाएगा और ये आपका 3 और 2 5, तो ये आपका 5x।
एक्स, ठीक है ना। तो बच्चों 6/5 घंटा कह लीजिए या 6/5, और इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ 12 बार में 12 × 6 = 72, तो बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो बच्चों हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो यह आपका 72 मिनट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों एक तरीका तो यह हो गया, चाहे तो हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या फिर बच्चों अगर हम चाहें तो देखिएगा इसी क्वेश्चन को फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ बच्चों देखिएगा सबसे आसान तरीका क्या होगा, यहाँ से जो ट्रेन चली है वह 4 बजे चली है और 6 बजे पहुँची है, यानी कितने घंटे में, 2 घंटे में। उसी तरह यहाँ से जो ट्रेन चली है वह 4 बजे चली है और 7 बजे पहुँची है, यानी कितने घंटे में, 3 घंटे में। तो बच्चों ऐसा हम दूरी ले ले जो 2 से भी कटता हो और 3 से भी कटता हो, तो क्या बच्चों वह 6 के बराबर होगा। तो अगर हम दूरी 6 मान लें बच्चों, देखिएगा माना कि दूरी 6, ठीक है ना। तो बच्चों अगर दूरी हम 6 मान लेते हैं, ठीक है, तो पहले वाले का स्पीड क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर जाता है कितने घंटे में, 2 घंटे में, यानी 3 किलोमीटर पर आवर। और दूसरे का क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ 6 किलोमीटर कितने घंटे में, 4 बजे चला है, 7 बजे पहुँच गया, यानी 3, यह आपका 2 के बराबर होगा। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम समय की बात करें तो गैप बटा में रिलेटिव स्पीड, तो बच्चों दोनों के बीच गैप कितने का है, 6 का। और बच्चों सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, 3 और 2 आपका ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों की दिशा बच्चों क्या दी गई है, विपरीत दी गई है। तो बच्चों अगर दोनों की दिशा विपरीत दी गई है तो यहाँ दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आपका 6/5 घंटा, या फिर मिनट में चेंज करना चाहते हैं बच्चों तो 60 से गुणा कर दीजिए, तो यह आपका क्या हो जाएगा, तो यह आपका 72 मिनट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, बात समझ में आया है। तो बच्चों ऐसा संख्या आप एलसीएम मान लीजिए जहां से क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सके, यहां एक्स मानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता आपको बच्चे नहीं है, ठीक है ना। ये चीजें सही बच्चों को समझ में आई है, क्लियर है ना, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसके बाद फिर अगर हम नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कहा गया है एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 8 बजे चलती है और बी पर 10 बजे पहुंच जाती है। तो बच्चों 8 बजे चली है, 10 बजे पहुंच गई है, यानी टोटल कितना समय ली है, तो 2 घंटा। दूसरी ट्रेन बी से सुबह 9 बजे चलती है और ए पर 11 बजे पहुंचती है। तो बच्चों दूसरी ट्रेन जो है वह सुबह 9 बजे चली है और 11 बजे पहुंची है, तो मिलने का समय आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों उसी मेथड से हम करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सिंपल सा तरीका है आपका, आपका स्टेशन ए से 8 बजे चला है और कितने बजे पहुंच गया है, तो यह आपका 10 बजे, ठीक है, यानी टोटल कितना घंटा, तो यह आपका 2 घंटा। फिर बच्चों दूसरे कंडीशन में क्या कहा गया है, अगर हम बी से बात करें तो बी से 9 बजे चला है और कितने बजे पहुंच गया है, तो यह आपका 11 बजे पहुंच गया है। तो बच्चों कितने घंटे में पहुंच गया है, तो आप कहेंगे 2 घंटे में। तो बच्चों यहाँ भी 2 घंटा, यहाँ भी 2 घंटा। तो बच्चों यहाँ हम दूरी क्या मान लें, तो दूरी अगर 2 किलोमीटर मान लेंगे तो चीज़ें बच्चों हमारी आसान हो जाएगी, स्पीड निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है, तो आपका समय भी बच्चों आसानी से निकल जाएगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ माना की दूरी, तो बच्चों अगर आप दूरी 2 के बराबर मान लेते हैं, ठीक है ना भाई, समय का एलसीएम ले लीजिए, तो पहले वाला भी 2 घंटे में पहुंचता है और दूसरा वाला भी 2 घंटे में पहुंचता है, तो 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 के बराबर, तो यहाँ 2 किलोमीटर आप ले लीजिए एलसीएम। तो बच्चों यहाँ से अगर हम स्पीड की बात करें तो एस ई का मान क्या होगा, तो 2/2, यानी 1 किलोमीटर पर आवर। एस बी का मान क्या होगा, 2 किलोमीटर चलता है 2 घंटे में, यह भी 1 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों की स्पीड 1 के बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों पहली ट्रेन 8 बजे चली है और दूसरी ट्रेन 9 बजे चली है, तो बच्चों अगर पहली ट्रेन 8 बजे चली है और दूसरी ट्रेन 9 बजे चली है, तो 1 घंटा तक पहली ट्रेन चली होगी, तब तक दूसरी ट्रेन आपकी रुकी हुई होगी। तो बच्चों यह ट्रेन 8 से 9 बजे, तो यहाँ 9 बजे होगा, तो बच्चों 1 घंटे में वह कितना किलोमीटर चली होगी, 1 किलोमीटर। तो बच्चों अब जो गैप बचा हुआ है वह गैप कितना बचा हुआ है, तो 1 किलोमीटर, ठीक है। तो बच्चों जैसे ही 9 बजा यहाँ से ट्रेन चली होगी ए वाली, यहाँ से ट्रेन चली होगी बी वाली, तो बच्चों आपका जो समय लगेगा, समय बराबर क्या होगा, तो गैप बटा में सापेक्षिक चाल। तो बच्चों
अगर हम गैप की बात करें तो गैप बचा कितना है भाई, 1 किलोमीटर तो कवर हो चुका है, क्योंकि स्टार्टिंग के यह 8 बजे चली है या 9 बजे चली है, इसका मतलब क्या है, यह 1 घंटा एक्स्ट्रा चली है, पहले चली है, तो इसकी स्पीड कितनी है 1 के बराबर, तो 1 घंटे में कितना चलेगी 1 किलोमीटर। तो बच्चों 1 किलोमीटर जब यह चल चुकी है, 9 जैसे ही बजा यह ट्रेन तो चल ही रही थी, साथ में ये ट्रेन भी स्टार्ट हो गई है। तो बच्चों 9 बजे दोनों के बीच का जो बचा हुआ गैप है वह कितना है, तो आप कहेंगे 1 किलोमीटर। और बच्चों दोनों के बीच की जो सापेक्षित चाल है, रिलेटिव स्पीड है, वह कितनी है, तो अगर दोनों की दिशा विपरीत है तो बच्चों सापेक्षित चाल क्या होता है, ऐड हो जाता है, क्या होता है आपका, जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, तो यह आपका 2 के बराबर, तो यह आपको कितना समय लगेगा, तो यह आपका 1/2 आवर, ठीक है बच्चों। तो आपसे पूछा गया फाइंड आउट द मीटिंग टाइम, ठीक है ना, मिलने का समय क्या होगा। तो बच्चों यह जो आधा घंटा लगा है आपका, यह आधा घंटा कब लगा है, तो यह 9 बजे के बाद लगा है। तो बच्चों जो आपका मिलने का समय होगा, मिलने का समय क्या होगा, तो मिलने का समय, ठीक है ना, तो 9 बजे के बाद आधा घंटा और 9 बजे के बाद आधा घंटा और, ठीक है, यानी टोटल कितना, तो यह आपका 9:30 AM पर दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएंगी। तो बच्चों यह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद है सही बच्चों को सारी बातें समझ में आ रही होगी, क्लियर है ना सभी को, सिंपल तरीका है आपका, ठीक है। तो यह 9 बजे के बाद आधा घंटा और, तो 9 बजे के बाद आधा घंटा और का मतलब क्या है, 9:30 बजे, ठीक है बच्चों, चलिएगा। इसके बाद फिर आपका, अब देखिए एक बात थोड़ा सा हम डिसीजन कर लेते हैं, वैसे हम ये बात पहले ही आपको समझा चुके हैं, लेकिन फिर से हमें आपको एक बार समझा देते हैं। देखिए बच्चों अगर हम ट्रेन की बात करें, ठीक है ना, तो ट्रेन में आपकी 2 से 3 पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कौन कौन सी बात को ध्यान रखना पड़ेगा, देखिए बच्चों अगर प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, मान लीजिए यह आपका प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, या फिर पुल दिया हुआ है, ठीक है, या फिर आपका पुल दिया हुआ है, दोनों एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, अगर कोई ट्रेन, ठीक है ना, यह आपका ट्रेन है, ट्रेन है, तो बच्चों अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो यह जो ट्रेन है टोटल कितनी दूरी क्रॉस करेगी, एक तो प्लेटफॉर्म की दूरी होगी और ट्रेन की अपनी दूरी भी तो होगी, यानी टोटल दूरी क्या होगी, प्लेटफॉर्म की दूरी और प्लस ट्रेन की लंबाई, ठीक है, या तो कहिए प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस ट्रेन की लंबाई, ठीक है बच्चों। तो यहां आपका कुल दूरी क्या हो जाएगा, तो यह आपका कुल दूरी बराबर क्या होगा, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है ना, चाहे इसको यहां लिख देते हैं, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा। दो बातें यहां से आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब बच्चों दूसरा कंडीशन की बात करें, ठीक है, अगर मान लीजिए एक ट्रेन दिया हुआ है, या आपका ट्रेन वन है, यह आपका ट्रेन वन है, और दूसरा यह आपका ट्रेन सेकंड है, ठीक है, ट्रेन सेकंड है। तो बच्चों अगर दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है, ठीक है ना, या तो इस डायरेक्शन में होगा या तो बच्चों आपका इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, ये भी हो सकता है, यह आपका ट्रेन वन, यह आपका ट्रेन वन और यह आपका ट्रेन टू की बात की जा रही है, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों अगर दो ट्रेन एक दूसरे को आपस में क्रॉस करती हैं, चाहे वो विपरीत दिशा में हो या फिर दोनों सेम दिशा में हो, समान दिशा में हो, तो बच्चों यहाँ जो दूरी होगी वह क्या होगी, भाई पहली ट्रेन की जो दूरी होगी वह तो होगी, और साथ में दूसरी ट्रेन की जो दूरी होगी या लंबाई होगी, दोनों एक दूसरे को आपस में क्रॉस करेगी, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल क्रॉस करेगी। तो बच्चों यहाँ आपकी जो दूरी होगी वह कुल दूरी क्या होगी, तो पहले ट्रेन की लंबाई, पहले ट्रेन की लंबाई प्लस में या आपका दूसरे ट्रेन की लंबाई, ये बात आप कह सकते हैं, ठीक है ना।
ये दो कंडीशन हो गया आपका, सॉरी ये आपका तीन कंडीशन हो गया, एक तो प्लेटफॉर्म की बात हो गई, एक तो आपका ट्रेन की बात हो गई, ठीक है ना। अब बच्चों यहीं पर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, कोई एक ट्रेन में बैठा हुआ है, ठीक है, और उसे सामने से आती हुई ट्रेन क्रॉस करती है या फिर समान दिशा में पीछे से आते हुए ट्रेन क्रॉस करती है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, जैसे यहाँ अगर बना दे, ठीक है ना, यह आपका ट्रेन है और यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है ना, अगर इस व्यक्ति को कोई ट्रेन, ट्रेन वन कह लीजिए, चाहे तो इधर से क्रॉस करे चाहे तो इधर से, डिपेंड करता है जैसे भी, ठीक है ना, दिशा का बहुत ज्यादा रोल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों अगर हम दूरी की बात करेंगे, तो अगर कोई व्यक्ति किसी ट्रेन को अपने से पार होता हुआ दिखता है तो केवल और केवल लंबाई किसकी ली जाएगी, तो केवल और केवल ट्रेन की ली जाएगी, क्योंकि व्यक्ति की जो लंबाई होगी, ये वाली जो लंबाई होगी, मैं ये हाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस लंबाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ट्रेन तो इस प्रकार से आएगी, तो ट्रेन के कंपेरिजन में जो व्यक्ति है लगभग लगभग जीरो है कि नहीं है, या फिर आप कह लीजिए बहुत कम है, तो हम चाहें तो व्यक्ति की जो लंबाई है उसे इग्नोर कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ आपका जो दूरी लिया जाएगा वह दूरी क्या लिया जाएगा, केवल केवल ट्रेन ट्रेन वन की लंबाई, ठीक है ना, केवल और केवल और केवल पहले वाली की लंबाई ली जाएगी, ठीक है, बात समझ में आई है। और ये आपका, चाहे तो इसको भी मिटा दिए फिलहाल, ठीक है ना, और ये आपका, ये भी आपका ट्रेन है, ठीक है, ये भी आपका ट्रेन वन है, या फिर ट्रेन टू कर दीजिए, ठीक है। तो ट्रेन टू में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ट्रेन टू में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, और पीछे से आती हुई ट्रेन या सामने से आती हुई ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है, तो बच्चों लंबाई केवल और केवल किसकी ली जाएगी, जो ट्रेन सामने से आ रही है या पीछे से आ रही है, ठीक है ना, जिस ट्रेन में जो व्यक्ति बैठा हुआ है, क्या व्यक्ति अपने ट्रेन की लंबाई को क्रॉस कर रहा है क्या, तो आप कहेंगे नहीं कर रहा है। तो बच्चों लंबाई केवल और केवल किसकी ली जाएगी, तो जो ट्रेन उसे क्रॉस कर रही है, ठीक है बच्चों। इसके बाद फिर आपका अगर मील का पत्थर दिया रहे, ठीक है ना, मील का पत्थर, मील का पत्थर, या बच्चों व्यक्ति दिया गया हो या कोई पोल दिया गया हो, ठीक है, तो बच्चों कभी भी अगर मील का पत्थर दिया गया हो, व्यक्ति दिया गया हो, पोल दिया गया हो, ठीक है, तो इन सब की जो दूरी होती है, इन सब की दूरी हम क्या मानते हैं, तो लगभग लगभग जीरो के बराबर मानते हैं। तो कभी भी अगर कोई ट्रेन मील का पत्थर को क्रॉस कर रहा है या फिर किसी व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है या किसी पोल को क्रॉस कर रहा है, तो केवल और केवल ट्रेन की लंबाई ली जाएगी, वहां व्यक्ति की, पोल की और मील के पत्थर की दूरी क्या होगी, लगभग लगभग नेग्लिजिबल के बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी, ठीक है ना, तो इसकी दूरी को हम काउंट नहीं करेंगे। उम्मीद है ये सारी बातें सभी बच्चों को समझ में आई होंगी। अब देखिएगा इसके बाद फिर है आपका, अब क्वेश्चन पर आते हैं, 72 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलने वाली 160 मीटर लंबी ट्रेन को एक विद्युत खंभे से पार करने में कितना समय लगता है। तो देखिए बच्चों यहाँ सबसे पहले अगर देखा जाए तो 172 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलने वाली 160 मीटर लंबी ट्रेन एक विद्युत खंभे को, तो बच्चों मैंने कहा था पोल को पार करती है, अगर खंभे को पार करती है तो केवल और केवल दूरी ट्रेन की ली जाएगी, ठीक है ना, पार करने में कितना समय लगता है। तो बच्चों अगर हम समय की बात करें तो समय बराबर क्या होगा, तो यह आपका बच्चों दूरी बटा में चाल, ठीक है ना, चाल कह लीजिए या सापेक्षिक चाल कह लीजिए। तो बच्चों आपका जो दूरी दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 160 के बराबर, और बच्चों चाल कितना दिया हुआ है, तो यह आपका 72, लेकिन बच्चों यह आपका मीटर में दिया हुआ है या किलोमीटर पर आवर में दिया, और यहां बच्चों आपको सेकंड में चाहिए, तो बच्चों किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए, तो यह आपका 5/18 हो जाएगा। तो बच्चों 18 × 72 और यह आपका 20 × 8 में, तो बच्चों यह ट्रेन खंभे को कितने देर में क्रॉस कर जाएगी, तो आपका उत्तर क्या होगा, 8 सेकंड में, ठीक है ना। तो बच्चों आपका आंसर क्या होगा, 8 सेकंड आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो देखिएगा सबसे पहले आपका कहा गया है 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को
18 सेकंड में। तो देखिए बच्चों, यहाँ अगर हम एक ट्रेन की बात करें तो यहाँ आपका एक ट्रेन है, ठीक है ना, और ट्रेन की लंबाई कितनी है 162 के बराबर दिया गया है। इसके बाद फिर कहा गया यह कितने सेकंड में, तो यह आपका 18 सेकंड में, ठीक है ना, यह कितने सेकंड में, 18 सेकंड में। और फिर कहा गया है एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में, तो एक और प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, तो यह आपका 120 मीटर है और यह आपका 15 सेकंड में कहा गया है। तो बच्चों अगर एक ही ट्रेन है, तो दोनों की जो स्पीड होगी, वह क्या होगी, सेम होगी। तो बच्चों अगर स्पीड सेम है तो स्पीड बराबर क्या होता है, तो यह आपका दूरी बटा में समय। बच्चों चाल बराबर क्या होता है, तो यहाँ आप कह सकते हैं दूरी बटा में समय। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम इस ट्रेन की बात करें तो ट्रेन की अपनी जो लंबाई होगी वह कॉन्स्टेंट रही होगी, चाहे वह एक प्लेटफॉर्म को पार करे चाहे दो प्लेटफॉर्म को पार करे, इससे क्या फर्क पड़ता है, ट्रेन की जो लंबाई है वह कॉन्स्टेंट रहेगी, बराबर रहेगी, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ सबसे पहले अगर हम ट्रेन की लंबाई ले लें, अगर बच्चों ट्रेन की लंबाई अगर हम x ले लेते हैं तो यह आपका कितना हो जाएगा, तो यहां से आप कह सकते हैं x प्लस 162 और बटा में कितने सेकंड में, तो यह 18 सेकंड में। उसके बाद फिर अगर इस प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 और बटा में कितना, तो यह आपका 15 सेकंड होगा। तो बच्चों यहां से अगर हम कैंसिल करना चाहें तो यह आपका 3 बार में कैंसिल होगा और यह बच्चों आपका 5 बार में, तो यह आपका 5x, सॉरी यह आपका कितना, 3×6, एक मिनट रुक जाइए, क्या कर दिया, यह आपका 6 बार में होगा ना, ठीक है। तो यह आपका 5x प्लस में 5×2 = 10, 16×5 = 80 और यह आपका 81 810 और यह आपका 6x प्लस यह कितना, 720 के बराबर। तो बच्चों 5x को घटा दी तो x बराबर क्या होगा, तो 810 में 720 गया कितना, 90 के बराबर। तो बच्चों जो ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई कितनी निकली है, तो यह आपकी 90 मीटर के बराबर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपसे पूछा गया है रेलगाड़ी की चाल, तो बच्चों रेलगाड़ी की चाल चाहे तो यहाँ से निकालिए चाहे तो यहाँ से निकालिए, दोनों सेम आएगी क्योंकि दोनों ट्रेन क्या है, एक ही तो है। तो बच्चों अगर ट्रेन की चाल चाहिए तो ट्रेन की चाल क्या होगी, तो ट्रेन की चाल, ठीक है ना, तो दूरी बटा में समय। तो दूरी कितना, तो ये आपका 90 प्लस 120 ले लीजिए और बटा में कितना, तो यहां 15 ले लीजिए। तो बच्चों ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 210 को 15 से भाग दीजिए तो 15 × 15, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 14, ठीक है ना, तो ये आपका 14 मीटर पर सेकंड। तो आपका आंसर क्या होगा, 14 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 14 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, बातें समझ में आई। आप चाहें तो एक लाइन में ओरल भी निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, चाहें तो आप रेशियो से भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको इस मेथड से बता रहे हैं। आप चाहे तो रेशियो से भी इसी बात को 6 और 5 दोनों के बीच का अंतर, तो 6 का मान कितना, 5 का मान, ये आप निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक लाइन का है, क्योंकि हमने आपको समझाया है फिगर, इसलिए हो सकता थोड़ा सा लेंदी लग रहा हो, लेकिन है आपका क्वेश्चन एकदम आसान। तो बच्चों अगर एक ही ट्रेन की बात की गई है, एक ट्रेन अगर किसी को क्रॉस कर रही है, ठीक है ना, चाहे वो एक पुल हो चाहे दो पुल हो चाहे प्लेटफॉर्म हो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, तो अगर एक ही स्पीड से चल रही है तो उसकी स्पीड तो हर कंडीशन में कांस्टेंट होनी चाहिए ना, तो वो तो कांस्टेंट होगी होगी, ये बात आप आसानी से कह सकते हैं। देखिएगा इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 18 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं। धीमी गति की गाड़ी में बैठा व्यक्ति तेज गति में बैठा तेज गति की गाड़ी को अपने से पार होते हुए देखते 20 सेकंड का समय लगता है, तो तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो बच्चों वही सेम है, अगर कोई व्यक्ति या धीमी गति वाली ट्रेन है, मान लीजिए यहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है ना, और उसके बाद एक ही दिशा में, तो बच्चों अगर हम सापेक्षिक चाल की बात करें,
ठीक है ना। तो बच्चों सापेक्ष, अगर दोनों आपका, अगर किसी ट्रेन में आप बैठे हैं तो आपकी गति या जिस ट्रेन में आप बैठे हैं उस ट्रेन की गति क्या होगी, सेम होगी। अगर ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर से आगे बढ़ रही है तो आप भी तो 50 किलोमीटर पर आवर से आगे बढ़ेंगे, चाहे तो हम आपकी चाल कह लें या जिस ट्रेन में बच्चे आप बैठे हैं हम उसकी चाल कह लें, दोनों की चाल क्या होगी, सेम होगी, ये बात हम कह सकते हैं। तो देखिएगा, एक है आपका 18 किलोमीटर पर आवर और दूसरा या आपका 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, और दूसरा आपका दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। तो यहां से रिलेटिव स्पीड सबसे पहले बता दीजिए कितना हो जाएगा, तो दोनों सेम है, तो यह आपका 18 किलोमीटर पर आवर आप आसानी से बच्चों कह सकते हैं, ठीक है ना, 18 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद फिर आपका, अगर हम समय की बात करें, ठीक है, तो यहां आपको निकालना क्या है, लंबाई निकालनी है। तो बच्चों अगर इस व्यक्ति को तेज चाल वाली ट्रेन क्रॉस करती है तो केवल और केवल लंबाई किसकी ली जाएगी, तेज चाल वाले ट्रेन की, ठीक है ना। तो यहां से आप लिख सकते हैं तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई, अगर बच्चों इसे हम x मान लें, ठीक है ना, तो यहां आपका दूरी बराबर क्या होता है, तो चाल गुणा में समय। तो बच्चों सापेक्षिक चाल कितना है, 18, लेकिन यह किलोमीटर पर आवर है, तो बच्चों मीटर पर सेकंड में क्या होगा, तो 5/18। और बच्चों कितने सेकंड में, तो यहां आपका साफ साफ कहा गया कितने सेकंड में बच्चों, तो 20 सेकंड में, तो यह आपका 20 हो जाएगा। तो बच्चों 18 से 18 कटेगा तो 20 25 100, तो बच्चों जो ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 100 मीटर आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये आपका एकदम आसान क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो बच्चों कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, कभी भी अगर किसी व्यक्ति की बात की जाएगी तो ये बात आपको समझना है कि यहां पर केवल और केवल जो लंबाई है वो किसकी ली जाएगी, जो दूसरे वाली ट्रेन है उसकी, जिसमें व्यक्ति बैठा गया उसकी लंबाई तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि व्यक्ति जो है जिस ट्रेन में बैठा है उसकी दूरी को क्रॉस नहीं कर सकता, इस बात का हमेशा बच्चों आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसके बाद फिर आपका 150 मीटर लंबी एक ट्रेन अपनी दिशा में आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार कर जाती है, यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 100 किलोमीटर पर आवर है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, ठीक है बच्चों। तो दो ट्रेन है और दोनों की लंबाई दी गई है, ठीक है, और साफ साफ कहा गया अपनी दिशा में, एक अपनी दिशा में आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने सेकंड में, 10 सेकंड में पार कर जाती है, पहली की चाल दी गई है तो दूसरी की चाल कही गई है, ठीक है ना। तो बच्चों डायरेक्शन आपका सेम है तो सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, अगर हम रिलेटिव स्पीड की बात करें तो सापेक्षिक चाल के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, तो आपका घट जाएगा, ठीक है ना। पहली ट्रेन कितनी है आपकी 100 किलोमीटर और दूसरी ट्रेन कितनी है आपकी, यही आपको निकालना है, तो 100 माइनस एस कर देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम स्पीड की बात करें तो यह आपका डी बटा में टी, तो बच्चों यहां आपका दूरी कितना है, तो आप कहेंगे यह आपका 150 और प्लस में दूसरी ट्रेन की दूरी कितनी होगी, तो यह आपका 100 मीटर के बराबर, ठीक है। और बच्चों कितने समय में, तो यह कितने सेकंड में पार कर जाती है, तो यह आपका 10 सेकंड में, ठीक है। तो यहां आप कह सकते हैं कि 100 माइनस में एस बराबर 250/10, ठीक है, लेकिन बच्चों यह आपका मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर पर आवर में 18/5 करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, तो यह आपका 0 से 0, तो ये आपका 18/95 बच्चों, तो 100 में से घटा दीजिए तो s का मान क्या हो जाएगा, तो 100 में से 90 को घटा दीजिए तो बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां से बच्चों आप कह सकते हैं कि जो दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों यहां से आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आसानी से बच्चों आप कह सकते हैं 10 किलोमीटर पर आवर बच्चों आपका यहां से हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखिएगा ये भी आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, और अक्सर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा।
समान लंबाई वाली समान दिशाओं में चल रही दो रेलगाड़ी किसी खंबे को 18 और 12 सेकंड में पार करती हैं। रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? ठीक है ना बच्चों, तो देखिए सबसे पहले साफ साफ कहा गया है दो रेलगाड़ी दो अलग अलग रेलगाड़ी हैं और किसी एक खंबे को क्रॉस करती है। तो बच्चों यहां रेलगाड़ी तो दो अलग अलग है तो दोनों की स्पीड भी क्या होगी? अलग अलग होगी। लेकिन बच्चों यहां एक बात साफ साफ कह दिया गया है कि दोनों की लंबाई क्या है? दोनों की लंबाई सेम है। ठीक है बच्चों, तो यहां हम अपने मन से दोनों की लंबाई मान भी सकते हैं चाहे तो, और अगर ना मानना चाहे तो x से भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम दूरी यानी जो लंबाई है अगर बच्चों हम d मान ले, d मान कर बताते हैं, फिर हम इसे शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों अगर पहली रेलगाड़ी एक खंबे को 18 सेकंड में, ठीक है ना, तो बच्चों उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? तो दूरी बटा में समय। और दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? d के बराबर, भाई लंबाई सेम है, या कितने सेकंड में? 12 सेकंड में। ठीक है बच्चों, तो अगर यह दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं बच्चों, तो यह एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी? तो आपका आंसर दोनों की दूरी को आप ऐड कर दीजिए। तो बच्चों अगर हम समय की बात करें तो कुल दूरी क्या होगा? डी प्लस डी के बराबर। और बच्चों सापेक्षिक चाल के लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ साफ साफ कहा गया है समान दिशा है, तो बच्चों अगर समान दिशा है तो घट जाएगा, तो यह आपका क्या हो जाएगा? d बटा में 12 और माइनस में d बटा में 18। तो बच्चों यहां आप एलसीएम ले लीजिए, तो यह आपका 2d अपॉन में, यह आपका 36, यह आपका 3d और माइनस 2d। तो बच्चों यहां से 2d अपॉन डी और ये आपका 36 ऊपर चला जाएगा, तो 36 दुना कितना हो जाएगा? 72। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 72 सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, या तो बच्चों ऐसे कर सकते हैं या फिर इसी को चाहें तो देखिए हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। बच्चों अगर दोनों ट्रेन की लंबाई हम ऐसी मान लें जो 18 से भी कटता हो जो 12 से भी कटता हो, तो बताइए बच्चों 18 और 12 का एलसीएम कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 36 के बराबर। तो बच्चों अगर हम 36 एलसीएम मान लें, मान लीजिए अगर हम 36 एलसीएम मान लेते हैं, ठीक है ना, तो बच्चों यहां आपका जो एलसीएम होगा वह एलसीएम कितना हो जाएगा? तो वह आपका 36 के बराबर। ठीक है, वह कितना हो जाएगा? 36। तो अगर हम 36 ले लेते हैं तो पहला वाला क्या होगा? देखिएगा पहला है 18 सेकंड में, दूसरा है 12 सेकंड में। तो अगर d1 की बात करें तो d1 क्या होगा? तो यह आपका 36 बटा में 18 और d2 कितना होगा? 36 बटा में 12। ठीक है, तो यह आपका 3 के बराबर और यह आपका 2 के बराबर। तो बच्चों अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो 36 और 36 कितना? तो आप कहेंगे सर 72 के बराबर। और सापेक्षिक चाल कितना बच्चों? 3 में से 2 को घटा दीजिए तो 3 में से 2 गया कितना? 1 के बराबर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 72 सेकंड आपका यहां से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हम चाहें तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, उम्मीद है ये बातें सही बच्चों को समझ में आ रही होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है ना, अब बच्चों देखिए ये भी आपका, ये आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एसएससी का पेट क्वेश्चन है और अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, कभी कभी ये आपका रीजनिंग में भी बच्चों पूछ दिया जाता है। ठीक है, कभी ये मैथ्स में पूछ दिया जाता है, कभी ये रीजनिंग में पूछ दिया जाता है। तो देखिएगा समझिएगा, यहां से आप कह सकते हैं एक बंदर किसी चिकने पेड़ पर एक मिनट में 8 मीटर ऊपर जाता है, दूसरे मिनट में 3 मीटर नीचे फिसल जाता है। यदि पेड़ की ऊंचाई 65 मीटर है तो पेड़ की ऊपरी सिरे तक चढ़ने में बंदर को कितना समय लगेगा? तो ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों पहले हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। देखिएगा, मान लीजिए एक पेड़ है आपका 10 मीटर का, या पेड़ कितने का है? 10 मीटर का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 मीटर का। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर हम कहते हैं पहले मिनट में वह 3 मीटर, ठीक है ना, पहले मिनट में वह 3 मीटर ऊपर जाता है और अगले 1 मिनट में, ठीक है ना, वह 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। ठीक है बच्चों, पहले मिनट में वह 3 मीटर ऊपर जाता है, अगले में 1 मीटर नीचे आता है। तो बच्चों यहां आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सर बच्चों, सबसे पहला मिनट, तो अगर इस प्रकार से हम देखें तो पहले मिनट में वह 3 ऊपर जाएगा, ठीक है, और अगले मिनट में फिर क्या होगा बच्चों? अगले मिनट में फिर वह 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, फिर उसके अगले मिनट में
फिर वह 3 ऊपर जाएगा तो 2 पर था, फिर 5 पर आएगा, फिर अगले मिनट में बच्चों वह 1 नीचे आ जाएगा तो वह 4 पर आ जाएगा। तो बच्चों यहां से आप देख सकते हैं कि 2 मिनट में, ठीक है, तो क्या वह 2 मिनट में क्या वह 2 मीटर चढ़ रहा है? तो बच्चों क्या यह कहना सही है कि 10 मिनट में वह 10 मीटर चढ़ेगा, ठीक है ना? ये आपका सही है या गलत है, इस बात का डिसीजन हमको करना है। आप देख सकते हैं कि 2 मिनट में 2 मीटर, 4 मिनट में 4 मीटर, उसी तरह अगर हम 6 मिनट में देखें बच्चों, तो फिर ये अगले मिनट में फिर 3 ऊपर जाता है, 4 से 3 जाएगा और फिर अगले मिनट में बच्चों यहां फिर वापस आ जाता है, ठीक है? तो बच्चों 6 मिनट में कहां पर है वह? फिर 6 पर है। तो बच्चों देखिएगा अब होता क्या है, जैसे अब 6 से वह 3 ऊपर जाएगा तो 9 पर आएगा, अब फिर अगले में वह फिर 1 नीचे आएगा, तो बच्चों अब वह 8 पर पहुंच चुका है। अब देखिए अगली बार बच्चों अगर वह चढ़ेगा तो 8 पर है तो 3 चढ़ेगा, तो बच्चों जो पेड़ है वह तो 10 पर ही है ना, क्या वह 11 तक चढ़ पाएगा? नहीं चढ़ पाएगा। और बच्चों आपसे पूछा गया है कि बंदर जो है वह पेड़ पर कितने देर पर चढ़ पाता है, ठीक है ना? तो बच्चों जब बंदर एक बार ऊपर चढ़ जाएगा तो क्या फिर नीचे आ पाएगा? तो बच्चों यहां तो 10 ही मीटर है ना, तो क्या बच्चों पेड़ के ऊपर बंदर जा पाएगा क्या? तो आप कहेंगे नहीं जा पाएगा। तो बच्चों अब यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बच्चों यहां 8 मिनट में वह कितना चढ़ चुका है? तो 8 मीटर चढ़ चुका है। अब देखिए अगले 1 मिनट में वह कितना चला जाता है? तो 3 चला जाता है, लेकिन उसे जाना कितना है? 2। तो बच्चों अब समय कितना लगेगा? तो 2/3 मिनट, इतना ही तो लगेगा। तो बच्चों आपका आंसर क्या होगा? तो यह 10 मीटर चढ़ने में उसे समय कितना लगेगा? 8 सही 2/3 मिनट, 8 सही 2/3 मिनट। ये बात समझ में आया है? तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है यह आपका गलत होगा, ठीक है ना? यानी ये आपका कंडीशन क्या होगा? गलत होगा, जो कि मैक्सिमम लोग करते हैं। ये आपका 100% क्या है बच्चों? गलत है, ठीक है ना? तो ध्यान रखना है। तो बच्चों एक बार लास्ट में अगर आप, मान लीजिए आप बंदर हैं और अगर आप ऊपर तक पहुंच जाते हैं 10, ठीक है, तो क्या फिर 11 तक जाएंगे? ऊपर तो खाली है ना, पेड़ तो खत्म हो चुका है और आपसे पूछा गया है कि पेड़ पर आप कितने देर पर पहुंच जाएंगे। तो बच्चों अगर आप एक बार पेड़ पर पहुंच चुके हैं तो क्या फिर नीचे आने का कोई मतलब बनता है क्या? आप खुद बताएं। तो आप कहेंगे नहीं सर, एक बार अगर हम पहुंच गए इसका मतलब पहुंच गए, ठीक है बच्चों? अब इसके बाद, अब जैसे अगर हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो क्वेश्चन करने का हमारा तरीका क्या होगा? तो देखिए हमेशा इस गैप को मेंटेन करना है। जैसे यहां एक बंदर 1 मिनट में, ठीक है ना, तो पहले मिनट की बात करें बच्चों, तो पहले मिनट में वह कितना जाता है? तो 8 मीटर। बच्चों अंतर जो आता है वो लास्ट वाले में आता है, उससे पहले में कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लास्ट में एक बार वह ऊपर चढ़ गया है तो क्या फिर नीचे आने का मतलब बनता है क्या? तो आप कहेंगे नहीं बनता है, ठीक है ना? बच्चों लास्ट वाले में मेन आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों 1 मिनट में कितना? तो यह आपका 8 मीटर, ठीक है ना? और दूसरे मिनट में, तो बच्चों यह आपका दूसरा, सेकंड मिनट की बात करें तो बच्चों यहां सेकंड मिनट में क्या होता है? तो यह आपका सेकंड मिनट में यह आपका 3 नीचे आता है। तो ओवरऑल अगर ओवरऑल बात करें बच्चों, तो यहां से आप आसानी से बता सकते हैं कि टोटल 2 मिनट में, ठीक है ना, वह 8 ऊपर गया है और 3 नीचे आया, तो ओवरऑल चढ़ा कितना है? तो यह आपका 5, ठीक है ना? तो बच्चों आपका काम हमेशा क्या होगा, इस बात को समझिएगा। तो बच्चों यहां जो 65 दिया हुआ है ना, तो इसमें यह जो लास्ट 5 है ना, इस 5 के गैप को आप हटा दीजिए। तो बच्चों पहले आप 60 तक पहुंचिए, 60 तक पहुंचने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, 60 मीटर तक पहुंचने में बच्चों आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले आप 60 तक पहुंचिए। तो बच्चों अगर 60 मीटर तक चढ़ते हैं तो बच्चों यह आपका कितने बार में, क्या यह 12 बार में गुणा किए होंगे? बताइए यह गुणा कितने बार में? 12 बार में। तो ऐसे राउंड कितने बार हुए होंगे? 12। तो यह बच्चों आपका कितना? 12 × 24 मिनट, ठीक है ना? ठीक है। तो बच्चों 24 मिनट में यह 60 मीटर ऊपर आ चुका है। अब बच्चों उसे पहुंचना कितना है? 5 मीटर। लेकिन वह 1 मिनट में, अब वह 1 मिनट में कितना ऊपर जा पाता है? तो वह 8 मीटर। 1 मिनट में कितना जा पाता है? 8 मीटर। लेकिन जाना कितना है? 5 मीटर। तो क्या बच्चों वह 1 मिनट से पहले पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा? आप कहेंगे हां सर, एकदम आसानी से पहुंच जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बच्चों? तो यहां आप देख सकते हैं, अब बच्चों
आपका 24 मिनट तो हो चुका है। अब बच्चों अगले मिनट में वह कितना जा सकता है, तो 8 मीटर। लेकिन बच्चों जाना कितना है, 5 ही तो जाना है। बात समझ में आया? तो बच्चों वह 1 मिनट में 1 मिनट से पहले पहुंच जाएगा। तो बच्चों यहां आपका जो समय होगा वह समय क्या होगा, तो यह आपका 24 सही 5/8। तो बच्चों आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 24 सही 5/8। तो यह आपका आंसर क्या होगा, 24 सही 5/8। उम्मीद है सभी बच्चों को सारी चीजें समझ में आई होगी। तो एकदम बच्चों सिंपल तरीका है, तो इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बस बच्चों आपको ध्यान क्या रखना है, अंतिम वाला जो गैप है ना, वो अंतिम वाला गैप आपको मेंटेन रखना है। क्योंकि बच्चों अंतिम में एक बार अगर आप पेड़ पर पहुंच जाते हैं तो क्या फिर नीचे आने का मतलब है, आपसे पूछा क्या गया है कि आप पेड़ के ऊपरी सतह पर कितने देर पर पहुंच जाते, ठीक है ना। बात समझ में आया है सही बच्चों को, ठीक है ना। चलिए बच्चों आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो बच्चों स्पीड टाइम डिस्टेंस के जितने भी अच्छे अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट थे, वो सारे बच्चे हमने आपको पढ़ा दिए हैं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में बच्चों हम आपका बोट एंड स्ट्रीम के सेशन करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों आज हम यहीं पर अलविदा लेते हैं, तब तक के लिए सही बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल बच्चों।